12th क्लास की जो फिजिक्स चल रही थी उसमें लेसन 2 का आपका चल रहा था, तो लेसन 2 की ये 12वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज मैं आपको कंप्लीट कराएंगे गोलीय संधारित्र, यानी गोलीय संधारित्र क्या होता है, गोलीय संधारित्र किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसकी क्रियाविधि होती है, और हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे कि गोलीय संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है वो वाला, कि गोलीय संधारित्र से जो धारिता किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमने एक चित्र बना रखा है जिसमें ये गोलीय संधारित्र है। इस चित्र को हम समझते हैं, इसमें थ्योरी क्या है, थ्योरी को मैं बता दूं कि आपको जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको वीडियो यानी पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ अपलोड कर दूंगा, और बाकी जो मैं बोलता जा रहा हूं आप एक कॉपी बनाते रहिए, उस पर आप लिखते रहिएगा। ठीक है, बहुत प्यार से आप समझते रहना। ठीक है, तो देखिएगा हमने आपको, मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो रेगुलर देख रहे हैं, रेगुलर वालों को तो पता ही है संधारित्र क्या होता है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा देती है, यानी कि एक ऐसा साधन या एक ऐसा समायोजन जिसके द्वारा किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं, उसको संधारित्र कहते हैं। चाहे वो समांतर संधारित्र हो, समांतर प्लेट संधारित्र, चाहे वो गोलीय संधारित्र हो, दोनों का काम क्या है, धारिता को बढ़ाना। ठीक है, अब हम ये है कि ये गोलीय संधारित्र है, तो इसकी हम बात करेंगे कि गोलीय संधारित्र किस तरीके से धारिता को बढ़ाता है, पहले ये जानेंगे, फिर उसके बाद में इसकी जो धारिता बढ़ेगी उसका फॉर्मूला क्या आता है वो जानेंगे। तो देखिएगा इसके लिए हमने क्या किया है, दो गोले दिखाई दे रहे होंगे, एक ए और एक बी, मतलब दो गोले इस यानी गोलीय संधारित्र में दो सहकेंद्रीय गोले होते हैं। सहकेंद्रीय का मतलब यह है कि एक गोला जिसका केंद्र यह है ओ, और एक दूसरा गोला उसका भी केंद्र क्या है, ओ ही है, यानी कि इसकी यहाँ से त्रिज्या आर है और यहाँ से त्रिज्या मैं मान लूं स्मॉल आर, तो उसी तरीके से ये जो छोटा गोला है वो ए माना है, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, जो बड़ा गोला है बड़े गोले की त्रिज्या स्मॉल बी है। समझ में आ गई बात, तो यानी कि दो सहकेंद्रीय गोले ए और बी होते हैं जिनकी त्रिज्याएं स्मॉल ए व स्मॉल बी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो ये गोले एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों गोले खोखले होते हैं, यानी कि गोलीय संधारित्र में दो खोखले गोले ए और बी होते हैं जो एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते हैं, और इनकी त्रिज्या ए और एक की त्रिज्या बी, यानी स्मॉल यानी ए गोले की त्रिज्या स्मॉल ए और बी गोले की त्रिज्या स्मॉल बी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में यानी कि गोले ए को एक धातु की पत्ती से जोड़ा जाता है, यानी देखिएगा ये धातु की पत्ती इस तरीके से जोड़ दी है, देखो ये जोड़ दिया, ये धातु की पत्ती है, धातु की पतली छड़ से गोले ए को जोड़ा जाता है, इस ये गोला जोड़ा जाता है, यानी गोले ए को धातु की पतली छड़ से जोड़ा जाता है, पतली पत्ती से जोड़ा जाता है, लेकिन यह पतली पत्ती गोले बी को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती है, यानी कि ये बी पैसे इस तरीके से लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि छू रही है, लेकिन ऐसा ये बी को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि ये बी के गोले में किस तरह से एक और उसमें क्या होता है, एक आप ऐसा कहिए छिद्र होता है जिसमें से ये पत्ती निकलती है। ठीक है, और इस पत्ती के ऊपर एक गुंडी लगी होती है, जब हम इस गोले ए को हम आवेश देते हैं तो वो आवेश किसी छड़ के द्वारा दिया जाता है या किसी तार के द्वारा दिया जाता है, इसी पतली छड़ या तार टाइप का होता है, बहुत पतला। ठीक है, क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस गुंडी के द्वारा हम इसको क्या देंगे, प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं, और आप ये चीज भली भांति जानते हो, और जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूं, जब भी किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो वह उसके चारों ओर फैल जाता है, तो जब माना कि जब हम इस ये चालक को ये गोले को प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं तो यह इसके समान रूप से चारों तरफ फैल जाता है। कभी भी ध्यान रख लेना, चालक पर आवेश देते हैं तो वह अंदर नहीं जाता है, उसके चारों ओर फैलता है। देखिए इसके चारों ओर ये क्या है, आवेश फैल गया, ये बात ध्यान रखनी है आपको, कभी भी किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह उसके अंदर नहीं जाता, उसके कोने कोने यानी बाहर चारों तरफ फैल जाता है, जैसे इस पर फैला है। ठीक है, और ये भी हम बता चुके हैं पहले, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगी कि आवेश की मात्रा एक निश्चित टाइम तक या निश्चित परिधि निश्चित सीमा तक ही हम इस पर फैला सकते हैं, यदि हम ज्यादा देते रहेंगे तो इसका वायु में विसर्जन होने लगता है, अर्थात लीक होने लगता है। इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो आने वाली है जिसमें वो यही टॉपिक लिया जाएगा, उसमें किस तरीके से लीकेज होता है, कितना होता है, वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो इसमें क्या है, एक धातु का गोला है
और इसको हमने क्या किया है, इस पत्ती द्वारा या इस छड़ द्वारा हमने इसको प्लस की गोला आवेश दिया, तो यह क्या हुआ, चारों तरफ से इस पर फैल गया। और प्रेरण प्रभाव द्वारा, क्योंकि ये गोला खोखला है और बी गोला क्या है, इस पर कोई आवेश नहीं है, प्रेरण प्रभाव द्वारा इस पर क्या होता है, इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी इसकी भीतरी सतह पर तो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और भीतरी सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और अंदर यानी भीतरी सतह पर देखिएगा ये आपका इस तरीके से ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। जितना इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है उतना ही इसकी बाहरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऐसा समझिएगा, मैं कह रहा हूं नॉर्मल समझिए, धन आवेश उत्पन्न हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसकी बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ये क्या करा हमने, इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, क्या कर लिया हमने, पृथ्वी से इसको जोड़ दिया। जैसे ही हम इसको पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इसकी जो बाहरी सतह का जितना भी धनावेश है वो पृथ्वी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि यानी जो इस धनावेश को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे आएंगे, क्रिया करेंगे, नष्ट हो जाएंगे, यानी कि एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन उसके पास में आएगा तो नेगेटिव एंड जीरो बना देगा, तो यानी सारा ये आवेश निरावेशित हो जाता है, अर्थात शून्य में बदल जाता है, यानी कि यूं कहिएगा कि सारा इसका बाहरी जो बाहरी सतह का जो आवेश है यानी धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाता है, अर्थात पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है। तो ये सारा आवेश कहां चला गया, इसका यानी इसके चारों तरफ जो धनावेश है वो इसमें चला जाता है, तो इसका क्या बचा, केवल ऋण आवेश बचा। और यह जो ऋण आवेश है इस चालक के विभव को क्या करता रहता है, कम करता रहता है, और जैसे ही जहां पर विभव कम होने लगा तो उसकी धारिता अपने आप बढ़ने लगती है। ये क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो विभव में और ये विभव सी का जो फॉर्मूला होता है धारिता का, Q upon V होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम इस चालक का यानी विभव का मान कम करेंगे और इस धारिता का मान अपने आप बढ़ता जाएगा, तो कुल मिला क्यों, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है इसका मान जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे इसका मान बढ़ेगा, तो मतलब क्या हुआ, इस पर माइनस बचा तो माइनस का विभव उत्पन्न हुआ, और ये इसके विभव को क्या कर देता है, चालक ए के विभव को कम करता रहता है, जो चालक ए का विभव कम होता जाता है तो अर्थात इसका चालक ए की जो धारिता है वो इंक्रीज होती जाती है, यानी बढ़ती जाती है, तो बढ़ गई इसकी चालक की धारिता, तो यही इसकी क्रियाविधि होती है, किसकी, यानी कि गोलीय संधारित्र की। अब हम इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं कि ये जो सी है वो होता कितना वास्तव में, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, एक बार और मैं आपको बता दूंगा, पहले आपको इसमें क्या करना है, आपको एक बार मैं इसका वो कर दूं डेरिवेशन कर दूं, उसके बाद एक बार और थ्योरी में आपको रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। चलो इसको एक बार करते हैं, चलो एक बार मैं थ्योरी बता ही देता हूं। थ्योरी क्या है, इसमें गोलीय संधारित्र में दो खोखले धातु के गोले ए और बी होते हैं, जो एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते हैं, गोले ए की त्रिज्या ए और गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी होती है, और गोले ए को एक धातु की पतली छड़ से जोड़ दिया जाता है जो कि गोले बी को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती है, इस पर कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती है, इस छड़ के ऊपर एक घुंडी लगा देते हैं, इस छड़ के द्वारा गोले ए को प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं, तो यह आवेश इसके गोले ए की बाहरी सतह पर फैल जाता है, इस आवेश के प्रेरण प्रभाव द्वारा गोले बी पर बी की भीतरी सतह पर ऋण आवेश तथा उतना ही इस गोले की बाहरी सतह पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, इस गोले को बाहरी यानी बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं जिससे इसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, अर्थात समस्त धनावेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाता है, क्लियर होगी बात, निरावेशित हो गया, अतः इसकी भीतरी सतह का ऋण आवेश ज्यों का त्यों बना रहता है जो कि चालक ए के विभव को कम करता रहता है, अर्थात चालक ए का जो चालक यानी कि गोले ए का जो विभव है वो बढ़ता है, गोले ए का जो विभव कम होता जाता है जिससे इसकी धारिता बढ़ती जाती है, बढ़ती इसकी धारिता होगी कम खत्म। अब इसकी धारिता देख लेते हैं कितनी बढ़ती है, देखिएगा चालक ए का जो विभव है वो कितना होगा, देखो नॉर्मली जो विभव का जो फॉर्मूला होता है 1/4π एप्सिलॉन जीरो के और Q/R ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या है, यानी कि इनके बीच में कोई मान लीजिए परावर्तित पदार्थ रखा है, ठीक है, कोई भी परावर्तित पदार्थ रखा है, ठीक है। तो नॉर्मली हम देखिए ए का विभव कितना होगा, यानी कि ए के ए पर क्या है प्लस क्यू कूलम आवेश है, यानी कि गोले ए के धन आवेश के कारण विभव वो हमने V1 मान लिया,
तो कितना हो जाएगा 1/4πε0k और q अपॉन q का ये फॉर्मूला नॉर्मली जनरल फॉर्मूला विभव का यही होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम ये निकालेंगे। तो गोले A के धनावेश है, गोले A पर क्या है, धनावेश है, इस धनावेश के कारण जो विभव होगा V1 मान लिया 1/4πε0k q अपॉन A। अब हम यानी गोले B का B पर क्या है, ऋणावेश है, तो ऋणावेश के कारण विभव निकालेंगे। तो गोले B के ऋण आवेश, ठीक है, ऋण आवेश के कारण विभव, हमने वो V2 मान लिया, तो V2 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मली वही फॉर्मूला लगेगा 1/4πε0k और q अपॉन, देखिएगा ये माइनस का q लिया जाएगा क्योंकि सारा का सारा आवेश माइनस में और विभव में माइनस प्लस लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव लगाओ मतलब माइनस जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ऋण आवेश है। तो ये टोटल, और ये यहाँ पे r है, यानी फॉर्मूला r होता है विभव में, विभव का नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0k q अपॉन r होता है, r यानी कि दूरी, ठीक है, तो यानी वो आवेश की दूरी, यानी बिंदु से आवेश की दूरी। तो देखिएगा यहाँ से ये जो आवेश है कितना आया, इससे यहाँ पर हम निकाल लें केंद्र पर इसका विभव, तो देखिएगा नॉर्मली हम बात करेंगे तो इसकी दूरी कितनी है, a है, तो हमने a ले लिया, और यहाँ की दूरी कितनी, b है, यानी बड़े गोले से लेंगे तो b है, तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, b लिया जाएगा, ठीक है, टोटल समझ में आ गया। अब हम ये दोनों का विभव निकला है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परिणामी विभव निकालूंगा, तो परिणामी विभव कितना हो जाएगा, परिणामी विभव की यदि मैं बात करूं तो V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है, दोनों को जोड़ूंगा तो देखिएगा दोनों का मान कितना हो जाएगा, एक का मान ये प्लस में है 1/4πε0k और q अपॉन a, ये प्लस में है क्योंकि ये V2 क्या है, माइनस में है, ये वाला माइनस था, ये मैंने माइनस लगा दिया 1/4πε0k और q अपॉन b, ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, आपको दिखाई दे रहा है इसमें देखो ये सब कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है 1/4πε0k और इसमें से q कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1/a बचेगा और यहाँ पर 1/b बचेगा। देखिएगा यहाँ से q भी कॉमन ले लिया मैंने, 1/4πε0 ये भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ 1/a बचा और यहाँ पर 1/b बचा, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर मैं एलसीएम लेना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल भी एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये q है, यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, ए बी मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, जब ए बी एलसीएम लूंगा तो बी इधर आ जाएगा, बी माइनस ए इधर चला जाएगा, ए, क्लियर होगी बात, ये चीज V का मान आ गया, लेकिन हमें विभव नहीं निकालना था, हमें तो धारिता निकालनी थी, और धारिता का भी हमने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, धारिता C बराबर Q अपॉन V, अभी लिखा था यहाँ पे, लिखा था नहीं लिखा था, जिसको नहीं पता है वो याद कर लीजिए कि धारिता का जो फॉर्मूला होता है C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है, ठीक है, तो देखिएगा ये हो गया। अब यहाँ पे मैं Q का मान कितना है, देखिएगा Q का मान नहीं है, V का मान लगाना है, V का मान कितना है, ये है देखिएगा 1/4πε0k और ये कितना है B माइनस A अपॉन, और ये कितना हो जाएगा A B, यानी कि इसको मैंने कैसे लिख दिया, इसको ऊपर ब्रैकेट में लिख दिया, ये नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत, देखो लो मैं इस तरीके से लिख दिया, ये मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिएगा आपको यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही है कि इस, सॉरी यहाँ पे Q भी था, ये Q, ठीक है, ये वाला Q, ठीक है, इस Q से ये वाला Q कट जाए क्योंकि ये ऊपर है, और ये जो नीचे वाली जो चीज है, नीचे जो दो चीजें ये ऊपर चली जाएंगी, तो मतलब क्या है, ये जो नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी तो ये 4πε0k इंटू ए बी अपॉन, नीचे क्या बचेगा, b माइनस a बचेगा, ये आपकी क्या निकल आई, धारिता निकल आई, ठीक है। निर्वातत्व वायु के लिए k बराबर 1 लिख दोगे, तो निर्वातत्व वायु के लिए भी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा के यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया बात, ठीक है। देखिएगा सी का मान इतना आ गया, ये वाला मान मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वाला मान मैंने यहाँ पर लिख दिया, यदि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर समझ जाना, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज दिखाऊं, ये चीज कैसे आई आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये देखिएगा ये वाला जो फॉर्मूला है इस टाइप से, क्यू अपॉन ये 1/4πε0k, ये वाली वैल्यू थी बी की, ये वाली यहाँ पर क्यू था अपॉन ये क्या था बी माइनस ए था अपॉन ये क्या ए बी, तो ये देखिएगा ये इसका मतलब ये है कि ये चीज गुणा में है, इससे ये कट जाएगा और इसका मतलब ये बट्टे में है, तो ये जो सारा का सारा ये जो चीज है ये ऊपर चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ये बी माइनस ए नीचे बचा, ठीक है, तो ये चीज आ गई, समझ में आ गई ना बात आपको, तो इतनी आ गई। निर्वात अथवा वायु के लिए क्या लोगे, निर्वात अथवा वायु
के लिए k बराबर कितना 1 लेते हैं, तो ये c बराबर कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 ab अपॉन b माइनस a, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं इस टाइप से लिख दे रहा हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अच्छा सा लगेगा आप फार्मूला, ये s ब्रैकेट में लिख दिया, बहुत अच्छा आ गया ना, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, ab अपॉन b माइनस a। अब ये देखिएगा यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है, ये क्या है, ये आपका इसका मात्रक वही रहेगा फैरड। ठीक है, स्पेशल पॉइंट यदि मैं बनाना चाहूं, स्पेशल पॉइंट यदि मैं बनाना चाहूं तो देखिए क्या बन जाएंगे आपके स्पेशल पॉइंट, पहला देखिएगा गोलीय संधारित्र की धारिता को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कि गोलीय संधारित्र की धारिता यानी कि दोनों की त्रिज्या पर, त्रिज्या ऊपर आ रही है, त्रिज्या ही तो दोनों गोले, दोनों गोलों की त्रिज्या को कैसे होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, दोनों गोलों की त्रिज्या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि दोनों गोलों की जो त्रिज्या अधिक होगी उनका गुणा भी अधिक होगा, धारिता बढ़ जाएगी, तो धारिता के लिए नहीं त्रिज्या कैसे होनी चाहिए, त्रिज्या अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, यानी कि दोनों गोलों की बात चल रही है यहाँ पे, मैं समझ जाना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी कि गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए दोनों त्रिज्याएं, दोनों गोलों की त्रिज्याएं अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, दोनों की त्रिज्याओं का अंतर जो है वो कम होना चाहिए, अंतर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे है, नीचे का मतलब क्या है कि ये मान जितना कम होगा धारिता उतनी ही ज्यादा होगी, यदि ये मान बढ़ गया तो मतलब धारिता कम होने लगेगी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि विभव का मान जितना कम होता है धारिता का मान उतना बढ़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, जो नीचे संख्या होती है उसका मतलब ये होता है कि वो जितना घटेगी ये वाली संख्या उतनी बढ़ेगी, और ऊपर वाली संख्या का मतलब ये होता है जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखिएगा तो b माइनस a यानी कि अंतर, त्रिज्या का जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, त्रिज्या का जो अंतर है वो कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए, ये नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ दोनों का त्रिज्याओं का जो अंतर है वो कम होना चाहिए, तो धारिता बढ़ जाएगी। और तीसरा खास इंपोर्टेंट ये यहाँ पर क्या आ रहा था, दोनों के बीच में कोई भी अधिक परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा होना चाहिए, यानी कि ऐसा पदार्थ उनके बीच में स्थित होना चाहिए जिसका परावैद्युतांक एक से अधिक हो, के का मान यदि एक से अधिक होगा तो उतना ही गुणा होता चला जाएगा, दो करूंगा तो दो की गुणा दो गुना, तीन होगा तो तीन गुना, यानी कि के का मान जितना अधिक होगा उतनी धारिता बढ़ेगी। तो मतलब क्या है, दोनों के बीच यानी कि इन खोखले गोलों के बीच, यानी दोनों गोलीय संधारित्र के दोनों गोलों के बीच में ऐसा पदार्थ मौजूद होना चाहिए जिसका परावैद्युतांक एक से अधिक हो, या जिसका परावर्तक अधिक हो, उससे क्या है, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, गोलीय संधारित्र में से कोई भी टॉपिक का क्या इसका कोई भी पॉइंट आपको समझ में आया ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गई है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं आपके इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दूंगा, उसकी एक कंडीशन बताई थी, जो पहला जो चैप्टर है उसके जो नोट्स मैंने दिए थे उस नोट्सों को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो, कि ताकि वो आपका फ्री का मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी बेकार है, मतलब जो भी पढ़ना चाहते हैं तो वो उन नोट्सों का फायदा उठाएं, और उस पर जैसे ही 500 लाइक हो जाएंगे मैं खट देसी ना आपके ये वाले चैप्टर का नोट्स अपलोड कर दूंगा। वैसे नोट्सों की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पढ़ाया इतना बेहतरीन तरीके से है कि ये चीज़ आपको उसमें लिखते रहना अपना कॉपी पर, और नोट्स भी आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, टेंशन ना लेना। ठीक है, बस इसका ढंग से कर लेना, फिर भी यदि कोई भी इस पर डाउट रह जाता है कमेंट करके बताना, लेकिन मेरे को आशा है कि आपका इसमें कोई डाउट रहा ही नहीं होगा। ठीक है, बस।